Students, how are you? I hope you will be safe and sound at your home. Myself, Shweta Singh, I am here to present a topic of English grammar, the sentence. Okay, means vakya. Okay, students? Students, generally when we speak or write, we use words. Okay, जब भी हम बातें करते हैं या लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें words की ज़रूरत होती है. बिना words के, बिना शब्दों के हम कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है? और जब भी हम इन वर्ड्सों का इस्तेमाल करते हैं तो एक ग्रुप्स में करते हैं. ओके, वी जनरली यूज़ दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स. ओके, बिना ये जो वर्ड्स होते हैं एक ग्रुप में होते हैं. जब हम बात करते हैं, लिखते हैं तो हम इन्हें ग्रुप्स में एक्सप्रेस करते हैं. आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, सूर्य पूर्व में उगता है. ये क्या है? ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ओके, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिखा रहा है? इसमें एक सेंस है. ये कह रहा है सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है. इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस है. क्यों सेंटेंस है? क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इन द ईस्ट राइजेस द सन, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? इसकी कोई सेंस निकल रही है? नहीं निकल रही है. तो ये जो है ये सेंटेंस नहीं है. ये क्या है? ये सिर्फ ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके, और तो ये दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? फर्स्ट वन इज शोइंग अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंटेंस. बट सेकंड वन इज नॉट शोइंग अ कंप्लीट सेंस, एनी सेंस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेंटेंस. ओके, बट बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोथ आर ऑफ वर्ड्स. बट फर्स्ट वन इज सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, नॉट अ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन मेक अ डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. मीन्स जो वाक्य होते हैं वो शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जो एक पूर्ण अर्थ निकलते हैं, पूर्ण अर्थ उनसे निकल कर आता है. तो ऐसे जो शब्दों के समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं. हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं. वी कैन क्लियर थ्रू दिस एग्जांपल. वी आई हैव रिटन हियर मोर एग्जांपल्स लाइक वी हैव डन आवर होमवर्क, यू आर गोइंग टू स्कूल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, We ought to respect our nation. Okay, so what are these? These are showing a complete sense. These all are group of words in an arranged like that which shows a complete sense. That's why these all are called sentence. The student, I hope it is clear about that. Okay, what is sentence? Sentence is always a group of word which shows a complete sense. Remember that. Sentence always shows a complete sense. The two topic, a two point is very important. It's a group of word which shows a complete sense. Okay, student, that's all till now. Okay, and I hope you will enjoy and understand these topics. Thank you. Have a nice day.